एंड इन आर प्रीवियस लेक्चर वी डिट डिस्कशन अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन एंड वी है टॉपिक सेवन पॉइंट वन विच वॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कस किया था इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स if we discuss oxidation and reduction in terms of oxygen and hydrogen so we know that addition of oxygen is going to be oxidation and removal of hydrogen is going to be oxidation or eck exactly opposite hoge reduction मतलब रिडक्शन वुड बी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज गोइंग टू बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बट द थिंग इज ऑल द टाइम इन केमिकल रिएक्शंस वी डोंट हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जरूरी नहीं के मौजूद हो तो आप ऐसे रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे So, उसके लिए हमें पता होना चाहिए एक और मेथड जिससे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकें एंड दैट इज गोइंग टू बी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो चलिए देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वट इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन वुड बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई एन एटम और एन आइन यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे एटम से या फिर आइन से तो हम उसे कहेंगे कि वहां ऑक्सीडेशन हो रही है अब यहां एटम और आइन बोथ आर इंपॉर्टेंट एज वी नो दैट एटम पर कोई चार्ज नहीं होता और अगर हम बात करें आइन की तो आइन चार्ज स्पेशी है और आइन हो सकता है कैट आइन भी और एन आईन भी यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है उस पर और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है सो so, आयन या फिर एटम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना वो होगी ऑक्सीडेशन लेट्स डिस्कस इट विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल अगर हम ले एटम की एग्जाम्पल सो सपोज यू हैव जिंक हम जानते हैं कि जिंक एक मेटल है विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट तो जिंक मेटल है और मेटल्स होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि उनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की सो व्हेन दिस मेटल इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन तो ये बनेगा जिंक आइन प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स वुड बी रिमूव सो चूंकि इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि देर इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन सो वी विल से दैट वेन देर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो रही है दिस इज ऑक्सीडेशन ये तो हुई बात एटम की अब एक डिस्कस करते हैं आयन के एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक आयन है दिस इज द सिंबल फॉर आयरन एफ ई और हमारे पास आयन है एफ ई टू प्लस ये होता है एक्स्टेट में नाउ दिस आयन हैज ऑलरेडी लॉस्ट इट्स टू इलेक्ट्रॉन लेकिन ये मजीद एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखता है और जब ये मजीद अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सो so इस पे आएगा थ्री प्लस चार्ज और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा अब चूंकि हमने स्टार्ट भी आइन से किया है लेकिन आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है सो so जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो होगी उसकी ऑक्सीडेशन अब देखते हैं व्हाट इज रिडक्शन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। नाउ रिडक्शन वुड बी एग्जैक्टली ऑपोजिट हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन ऐटम और एन आइन यानी कि एटम या आइन दोनों में जब इलेक्ट्रॉन्स एड होंगे इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो हम उसे कहेंगे कि यहां रिडक्शन हुई इफ लुक एट द ऑफ रिडक्शन तो इसमें भी हम इसे समझते हैं टू एग्जाम्पल की मदद से वन वुड बी ऑफ आइन एंड वन वुड बी ऑफ एटम सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव क्लोरीन क्लोरीन एक गैस है और क्लोरीन जब टू इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी इट इज गोइंग टू टर्न इन टू क्लोराइड आइन अब चूं यहां दो एटम्स क्लोरिन के कंबाइंड थे तो दो एटम्स क्लोरिन के कंबाइंड ये शो करते हैं कि उन्हें दो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्टेल में होते हैं सेवन इलेक्ट्रॉन तो उसे स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है सो दिस इज टू सी एल माइनस यानी के दो क्लोराइड आइन्स बन गए ना यू कैन सी दैट देर वॉज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट मीन दैट इट इज रिडक्शन फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव हाइड्रोजन आइन एच प्लस आइन हाइड्रोजन आइन हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशंसी को शो कर रहा है सो हाइड्रोजन आइन को जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा सो इट इज गोइंग टू टर्न इन टू हाइड्रोजन गैस H2 ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा जो कि स्टेबल होगी अब चूँकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं हम कह सकते हैं कि देर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये भी होगी रिडक्शन अब ओवरऑल अगर आप इस मिसाल को देखें जिसमें हम जिंक और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं फॉर एग्जाम्पल यू हैव जिंक मेटल प्लस आपके पास है हाइड्रोजन का आयन इसके रिएक्शन की फॉर्म में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे दे आर गोइंग टू बी जिंक आयन प्लस एच टू यानी कि हाइड्रोजन गैस आप इनके साथ स्टेट सिंबल्स भी शो कर सकते हैं गैस के साथ आएगा स्मॉल जी एंड व्हेन यू से हाइड्रोजन आयन सो इट वुड बी एक्वस एंड एक्वस के लिए हम शो करते हैं ए इसी तरह जिंक के साथ आएगी सॉलिड स्टेट और जिंक आइन होगा एक्वस और अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यू हैव टू पुट टू ओवर अब अगर आप गौर से इस इक्वेशन को देखें तो यू कैन सी दैट दो चीजें साइड बाय साइड हो रही हैं इफ यू लुक एट दिस जिंक थिंक तो जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं सो हम कह सकते हैं कि यहां है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन ने किया है गेन इलेक्ट्रॉन्स अब एक ही रिएक्शन में लॉस और गेन दोनों चीजें हो रही हैं सो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन ये होगा रिडोक्स रिएक्शन यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दे आर गोइंग साइड बाय साइड एक ही रिएक्शन में जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो दूसरा एलिमेंट उसको गेन कर लेगा एलिमेंट या फिर आयन कोई भी और फिर वो दोनों ही जा सकते हैं दूसरी फॉर्म्स में और यहाँ पे लॉस और गेन आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन सी चीज की रिडक्शन हो रही है अब चलते हैं इसको समझने के लिए एक और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल की तरफ विच इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सो स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बेसिकली इट टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप इसके तीन स्टेप हैं स्टेप नंबर सोडियम आइन यानी के सोडियम एटम इज गोइंग टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन और वो बनाएगा सोडियम आइन यानी के एन ए अगर है सोडियम ऐटम तो ये लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन और ये बनाएगा सोडियम आयन जिस पे आएगा प्लस चार्ज और जब ये आयन फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये गैसी स्टेट में आ जाएगा देन वी विल हैव वन इलेक्ट्रॉन यू कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन लाइक दिस अब चूंकि यहां पे है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सो हम कह सकते हैं कि यहां हो रही है ऑक्सीडेशन सो सोडियम एटम की ऑक्सीडेशन से बना है सोडियम आयन ये तो है स्टेप वन सेकेंड स्टेप में साइमल्टेनियसली जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज होगा सो so फॉरन ही ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया जाएगा बाय क्लोरीन और सेकेंड स्टेप में क्लोरीन का एटम इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस वन इलेक्ट्रॉन एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म क्लोराइड आइन जो होगा Cl एल क्लोरीन होता है गैस फॉर्म में फर्स्ट और बाद में भी ये गैस के फॉर्म में ही रहेगा एज यू कैन सी बेसिकली यही इलेक्ट्रॉन है जो यहां गेन हुआ है दो आइन्स आ गए पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन सो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दीज आइन्स दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट इच अदर और उससे बनेगा सोडियम क्लोराइड विच इज गोइंग टू बी स्टेबल थिंग यानी कि थर्ड स्टेप में अगर मैं से लिखू स्टेप थ्री इट इज गोइंग टू बी लेकिन इसके ऊपर होगा प्लस चार्ज और प्लस सी एल माइनस चार्ज और ये बनाएंगे एन ए सी एल ये तो हैं तीन स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर हम इसे एक इक्वेजन की फॉर्म में लिखें सिंगल इक्वेजन की फॉर्म में तो सिंगल इक्वेजन की फॉर्म में लिखने से आप एक ही इक्वेजन में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आखिर यहां किस जगह ऑक्सीडेशन हो रही है और किस जगह रिडक्शन हो रही है सपोज इफ यू हैव एन ए प्लस सी एल और इससे बन रहा है सोडियम प्लस क्लोराइड आप इसे ये भी कह सकते हैं कि साथ ही मिलके NACL बना देंगे। लेकिन चूंकि हमें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन पढ़नी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब सोडियम ने लूज किया है इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंड वेन देर इज लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन तो यहां क्या हो है दिस इज ऑक्सीडेशन इसी तरह अगर आप देखें क्लोरीन की तरफ तो क्लोरीन टर्न हुआ क्लोराइड आयन में यानी कि इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन सो गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शन नाउ यू कैन सी दैट इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड हो रही हैं। तो यह होगा एक रिडॉक्स रिएक्शन लेकिन अगर आप इस रिएक्शन पे नजर डालें तो यह आपको थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगेगा हम जानते हैं कि क्लोरीन तो कभी भी सीएल की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती क्लोरीन बेसिकली एग्जिस्ट करती है सी टू की फॉर्म में क्लोरीन गैस है और क्लोरीन का एटम स्टेबल नहीं होगा अलोन सो क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी सो so, अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो ये रिएक्शन तो वर्क नहीं करेगा so, देखते हैं कि उसके लिए हम इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं सो बेसिकली एन ए विद सी एल टू और उसके नतीजे में बनता है एन ए प्लस सी एल या फिर आप कह सकते हैं एन ए CL. अब ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है अगर आप इसे बैलेंस करेंगे और ही आएगा NaCl के साथ and two with chloride अब इस इक्वेशन में जो कि रियल इक्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की अब अगर आप यहां गेन और लूज की बात करेंगे तो इट वुड बी लिटिल बिट डिफरेंट वो डिफरेंट इस तरह से होगा कि सोडियम टर्न तो हो रहा है सोडियम आयन में हो तो रही है यहां पे ऑक्सीडेशन लेकिन यहां पे होगा लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स और हो ऑक्सीडेशन ही रही है इसी तरह अगर अब आप इस क्लोरीन की बात करेंगे सो यू कैन सी क्लियरली दैट दिस वाज सी एल टू और एक क्लोरीन ने गेन करना है एक इलेक्ट्रॉन सो चुके यहां पे दो क्लोरीन के आइटम हैं तो वो गेन करेंगे टू इलेक्ट्रॉन सो एयर इज गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स है तो ये होगी रिडक्शन एंड दिस रिएक्शन रिएक्शन इज़ गोइंग टू बी अब अगर हम इस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर की हेल्प से समराइज करते हैं हमारे इस टॉपिक को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो हमारे पास तीन मेजर डिफरेंस आ चुके हैं फर्स्ट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन सेकेंड पॉइंट वुड बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी प्रोडक्शन और थर्ड पॉइंट हमने इसी लेक्चर में डिस्कस किया है विच इज इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन और लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम में भी हो सकता है और ये किसी आइन में भी पॉसिबल है दोनों केसेस में ये हो सकता है सो so स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसे हमने कुछ एग्जांपल्स की मदद से भी डिटेल में समझा है और साथ ही साथ समराइज किया है डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को और उसमें हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर से भी डिफरेंसेस को सम किया है हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कुछ मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाफि